विद्यार्थियों, जैसा कि मेरे द्वारा बनाए हुए वीडियो लेक्चर आप डे टू डे देख रहे हैं, मुझे ऐसा विश्वास है और ऐसी उम्मीद है कि आप अगर कंटिन्यू देखते रहेंगे तो काफी हद तक आपको लाभ मिलेगा। आज भी मेरे द्वारा एक वीडियो लेक्चर आपके लिए बनाया गया है। देखिए, व्हाट वाज द इंडियन क्रिमिनल लॉ बिफोर कोडिफाइड लॉ। कहने का तात्पर्य यह है कि जैसा कि हम सभी जानते हैं कि भारत में कानून की व्यवस्था नहीं हुआ करती थी, रॉयल फैमिलीज हुआ करती थी, राजे महाराजे हुआ करते थे और वो अपने अनुसार मामलों को सुनते थे, समझते थे और निर्णय दे देते थे, जैसा कि उनका विवेक कार्य करता था। लेकिन ईस्ट इंडिया कंपनी 1600 में आ गई और कुछ कानूनों का प्रादुर्भाव भारत में होने लगा और भारत कानून की दृष्टि में आगे बढ़ने लगा। लेकिन आज हम बात ये करेंगे कि कानून का प्रादुर्भाव भारत में जब हुआ, उससे पहले क्या व्यवस्था थी भारत में, भारत में कानून क्या था, किस तरीके से मामलों को सुना समझा जाता था, तो आज हम उसी बात पर चर्चा कर रहे हैं। देखिए, यहां मैंने बताया है व्हाट वाज द इंडियन क्रिमिनल लॉ बिफोर कोडिफाइड लॉ, यानी कि भारत में आपराधिक विधि क्या थी, कब, जबकि विधि का संहिताकरण नहीं हुआ था, यानी कि विधि के संहिताकरण होने से पहले भारत में आपराधिक विधि की व्यवस्था क्या थी, उस पर चर्चा हम आज कर रहे हैं। तो इसे मैंने एक, दो और तीन भागों में विभाजित करके समझाने का प्रयास किया है। नंबर एक, हिंदू पीरियड, हिंदू काल में आपराधिक विधि क्या थी। नंबर दो, मुस्लिम पीरियड, मुस्लिम काल में आपराधिक विधि क्या थी। और नंबर तीन, इंग्लिश पीरियड, आई मीन टू से ईस्ट इंडिया कंपनी, कम इन इंडिया, ईस्ट इंडिया कंपनी जब भारत में आई तब विधिक व्यवस्था क्या थी। हम समझेंगे नंबर फर्स्ट, हिंदू पीरियड। हिंदू पीरियड में मुख्यतः तीन तरीके से न्याय किया जाता था और कानून का पालन किया जाता था। नंबर एक, वेद। नंबर दो, शास्त्र। नंबर तीन, पुराण। और मैंने यहां लिख रखा है एंड एटसेट्रा ईटीसी, और जैसे कि उपनिषद और भी कई छोटे छोटे धार्मिक ग्रंथ हुआ करते थे, उन ग्रंथों के आधार पर। यानी कि भारत में हिंदू काल में अगर न्याय किया जाता था तो न्याय देने का एकमात्र आधार था रिलीजियस बुक, धार्मिक ग्रंथ। हाँ, धार्मिक ग्रंथों का अगर क्लासिफिकेशन किया जाए तो अलग अलग तरह के हैं, जैसे कि आप जानते हैं और शायद कुछ को जानकारी हो, वेद यानी ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, इन चार वेदों में धर्म के बारे में कुछ कहा गया है और उसी आधार पर न्याय किया जाता था कि इनमें क्या कहा गया है। इसके अलावा शास्त्र, छह शास्त्रों की व्यवस्था की गई है। उसके अलावा उसके कुछ उपांग हैं, वो भी छह हैं। उसके अलावा पुराण, 18 पुराणों की व्यवस्था की गई है। यानी कि यहाँ जो वेद हैं वो चार हुआ करते हैं, शास्त्र छह हुआ करते हैं और पुराण 18 हुआ करते हैं, ये इनकी निश्चित संख्या है। इसके अलावा भी कई सारे शास्त्र हैं। उन शास्त्रों में जो बताया गया था कि अगर कोई व्यक्ति इस तरह का अपराध करेगा तो शास्त्र में लिखा है कि उसे ऐसी सजा दी जाएगी, तो वो सजा दी जाती थी। यानी कि हिंदू काल में धार्मिक ग्रंथों के आधार पर जब कोई व्यक्ति अपराध करता था तो उसे दंडित किया जाता था। सेकंड, मुस्लिम पीरियड। मुस्लिम काल में दंड की क्या व्यवस्था थी, किस तरह आपराधिक मामलों में दंड दिया जाता था। नंबर एक, किसा। किसा यानी कि विद्यार्थियों, मैंने आपको इससे पहले जो लेक्चर, वीडियो लेक्चर अपलोड किए थे उसमें पेनोलॉजी में मेरे द्वारा पढ़ाया गया था कि थ्योरी ऑफ पनिशमेंट, दंड के सिद्धांत, दंड के सिद्धांतों में एक सिद्धांत मैंने समझाया था, प्रतिशोधात्मक सिद्धांत, यानी कि थ्योरी ऑफ डिटरेंट। उसमें यह बताया था, राजा हम्बुरावी ने एक व्यवस्था दी थी और उसमें यह कहा गया था कि आई फॉर आई एंड टीथ फॉर टीथ, अगर कोई एक व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति की आंख फोड़ देता है तो जिस व्यक्ति की आंख फूटी है वो स्वयं या उसके परिवार के दूसरे सदस्य उस व्यक्ति की भी आंख फोड़ेंगे जिसने आंख फोड़ी है।
दांत तोड़े हैं तो तुम्हारे भी दांत तोड़े जाएंगे, तुमने हाथ तोड़ा है तो तुम्हारे भी हाथ तोड़े जाएंगे। तो ये व्यवस्था राजा हम्मुराबी ने की थी डिटेंट थ्योरी में। ऐसी व्यवस्था यहाँ किसा में है कि अगर एक व्यक्ति दूसरे के साथ जैसा जघन्य अपराध करेगा वैसा ही अपराध वो स्वयं या उसके परिवार का कोई सदस्य उसके साथ करेगा। सेकंड, हद। हद से तात्पर्य है यहां दंड की व्यवस्था ऐसी थी कि जब कोई व्यक्ति कोई अपराध करेगा तो जो अपराध उसने अपने जिस अंग से किया है उस अंग को भंग कर देंगे। जैसे अगर कोई व्यक्ति चोरी करता है तो उसका राइट हैंड काट दिया जाएगा, अगर लेफ्ट हैंडर है लेफ्ट हैंड से चोरी करता है तो लेफ्ट हैंड काट देंगे। ये हद में व्यवस्था थी। ताजीर। ताजीर से तात्पर्य है कि जब अपराध ऐसी प्रवृत्ति का ना हो कि किसा या हद जैसा दंड दिया जाए, तो ताजीर का मतलब है जैसे कि आज एक व्यवस्था है कि डिस्क्रिशन पावर ऑफ द कोर्ट, यानी कि न्यायालय की अपनी स्वविवेक की शक्ति भी उसके पास होती है, वो अपनी बुद्धि के आधार पर अपने विचारों के आधार पर दंड दे सकता है। जब दंड देने की व्यवस्था किसी कानून यानी लॉ प्रेसिडेंट और किसी में नहीं हो तो वो व्यवस्था यहाँ थी ताजीर में, अपने स्वविवेक के आधार पर दंड दिया जाता था। फोर्थ, सियासत। कुछ रॉयल फैमिली जुआ करती थी और जब दंड इन तीनों में से किसी में नहीं पाया जाता था तो रॉयल फैमिलीज का जो हेड हुआ करता था किंग, वो अपने अनुसार मामले को सुनकर समझकर दंड दे देता था। फिफ्थ, दिया। दिया से तात्पर्य एक व्यक्ति ने अपराध तो किया लेकिन शारीरिक चोट नहीं पहुंचाई, उससे कुछ नुकसान हुआ, उसके द्वारा कुछ संपत्ति डैमेज हो गई, कुछ संपत्ति की तोड़फोड़ हो गई, नुकसान हो गया, तो ऐसी स्थिति में मुस्लिम काल में एक व्यवस्था थी दिया, और दिया में जो व्यक्ति नुकसान करता था वो व्यक्ति, जिस व्यक्ति का नुकसान हुआ है उसे उतनी लोट ऑफ प्रॉपर्टी या संपत्ति या कैश दे देता था कि आप अपने नुकसान की भरपाई कर लें। इस तरह विद्यार्थियों हिंदू काल और मुस्लिम काल में दंड की व्यवस्था बताई गई है। इसी तरह हिंदू और मुस्लिम काल में आपराधिक मामलों में दंड दिया जाता था और उनको सुनको समझकर निर्णय दिया जाता था। तीसरा दौर आता है यहाँ इंग्लिश पीरियड, आई मीन टू से आफ्टर देन 1599, यानी कि अबोव देन 1600, सन 1600 के बाद की व्यवस्था, क्योंकि सन 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रादुर्भाव भारत में हुआ, उसके बाद ये व्यवस्था बंद हो गई, ये भी व्यवस्था बंद हो गई और वर्चस्व ईस्ट इंडिया कंपनी का काम करने लगा, इंग्लैंड लॉ आ गया, उसके अनुसार व्यवस्थाएं होने लगी। तो उसके अनुसार जो व्यवस्थाएं हुई इंग्लिश पीरियड में वो मैंने आपको बताई हैं, जैसा कि मैंने यहाँ डिफाइन किया है, नंबर एक वारेन हेस्टिंग्स, नंबर दो कार्नवालिस, बेंटिक एंड ईच अदर। अगर आप सभी मेरे पिछले वीडियो लेक्चर को देख चुके हैं या देखेंगे तो पाएंगे कि इंग्लिश पीरियड के बारे में मैंने आपको बताया है कि अंग्रेजी काल में सबसे पहले दंड की व्यवस्था, कानून की व्यवस्था, न्यायालयों की व्यवस्था 1772 में वारेन हेस्टिंग्स ने की थी और उसने तीन प्लान दिए थे 1772, 1774, 1781। और इसके बाद कानून की व्यवस्था कार्नवालिस ने की थी, उसने भी अपने तीन प्लान दिए थे 1787, 1790, 1793। इसके बाद बेंटिंक ने अपने प्लान दिए और उसके बाद कई ऐसे जूरिस्ट थे, कई ऐसे विधि शास्त्री थे, कई ऐसे लॉ एक्सपर्ट थे फॉरेन के, जिन्होंने अपने अपने प्लान भारत में रखे और कानूनी व्यवस्था को बनाए रखने की कोशिश की। इस तरह जब आज हमारे पास जो कोडिफाइड लॉ है, इसके पहले जो कानून की व्यवस्था थी वो हिंदू मुस्लिम और इंग्लिश पीरियड में इस तरह थी। विद्यार्थियों, आज का मेरा वीडियो लेक्चर यहीं समाप्त होता है, आगे भी मेरे द्वारा वीडियो लेक्चर आपको मिलते रहेंगे। धन्यवाद।